ये वो चंद नाम है जी जो पिछले दौर में इस सारी जो हमारे खिलाफ कार्रवाई होती रही। सरवर खान साहब हैं, 2.5-3 साल इन्होंने हमें बहुत टफ टाइम दिया। जुल्फी बुखारी साहब हैं, इनके वालिद साहब ने घर बुला के हमसे 4 करोड़ रुपया मांगा जिस वक्त अर्तगल को आने से मना किया गया था। तो इनके वालिद साहब ने, मैं कुरान पे हल्फ दे के कहता हूँ, इनके एक MNA इन्वॉल्व थे, 4 करोड़ रुपया जुल्फी बुखारी साहब के वालिद साहब ने मांगा, आप 4 करोड़ रुपया दे दें तो हम अर्तगल को आने देंगे, और मना भी इन्होंने किया था। शहजाद अकबर साहब हैं जी, हमारे जितने नैब के केसेस खुले, अब शहजाद अकबर साहब खुद भी मतलूब हैं, सारों को ये एडमिनिस्टर करते थे। तारिक मुर्तजा साहब चेयरमैन RDA रहे, ये भी आलाकार बने रहे। उस्मान गुजदार साहब की टीम ने 28 करोड़ रुपए की डिमांड की थी हमारी रेवेन्यू रिपोर्ट और NOC क्लियर करने के लिए। आमिर क्यानी साहब, इमरान इस्माइल साहब और वासिक क्यून साहब, आमिर क्यानी साहब चूंकि हुकूमत में थे और जितने यहाँ पे अफसरान बैठे हुए थे वो PTI गवर्नमेंट के थे, और इस वक्त भी जो लॉट बैठी हुई है ये वही लॉट बैठी हुई है जो उस दौर से चली आ रही है, और उनके फैसिलिटेटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अब भी जो हमारे खिलाफ सारी मूव हो रही है उसकी बुनियाद ये सारे लोग हैं।